महंगाई पर मचा कोहराम। सड़कों पर शुरू हुआ संग्राम। हंगामा, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी के सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है महंगाई। डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हर तरफ गुस्सा दिख रहा है। राजधानी पटना में बीजेपी ने साइकिल मार्च निकाला और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूंक कर अपना विरोध जाहिर किया। ये महंगाई मामूली चीज नहीं है, आम आदमी इसमें बहुत सफर करेगा। जितनी चीज ढुलाई होगी डीजल से, सबका दाम बढ़ेगा। वो सब्जी हो, वो अनाज हो, कोई भी चीज है, सब्जी का दाम बढ़ेगा। तो इसलिए कॉमन मैन सफर करेगा, आम आदमी को कष्ट होगा। डीजल और गैस की जिस प्रकार से मूल्य वृद्धि भारत की सरकार ने की है, यह देश की गरीब जनता के सीधे सीधे पॉकेट और पेट पर चोट किया है। और आज आम जन का जीना मुश्किल हो गया। और जिस प्रकार से गैस को केवल 6 सिलेंडर प्रतिबंधित कर दिया कि 6 आपूर्ति होगी, तो आम जन कैसे खाएगा इस देश में, अब ये संकट पैदा होगी। मतलब गैस और चूल्हे को बंद कराने का काम यह सरकार कर रही है। उधर जेडीयू महिला सेल की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाएं सड़कों पर उतरी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने भी प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। जो आम जनता के साथ मजाक किया गया है, इतना भारी मात्रा में दाम बढ़ा करके, अब 700 सिलेंडर का दाम हो गया है। साल में 6 ही सिलेंडर मिलेंगे, इससे घर चलना संभव नहीं है। हम लोग सब महिला हैं, पहले उसके बाद विधायक हैं, हम लोग जानते हैं घर चलाने के लिए महिलाओं को क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सच पूछे चूल्हा को तो बंद ही करना पड़ेगा। और ये जो मूल्य वृद्धि हुई है, सरकार की ना नीयत सही है और ना नीति सही है। एक सिविल वार है यहाँ की जनता के खिलाफ में। और ये मूल्य वृद्धि, डीजल की मूल्य वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा, सब्जियों के भाव बढ़ेंगे, चावल राशन सभी के भाव बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर पेट पे पड़ने वाला है। और एक चीज जान लीजिए, भारत की जनता पीठ पर लात बर्दाश्त करेगी, पेट पर मारी गई लात को नहीं बर्दाश्त। महंगाई की मार से आरजेडी में भी गुस्सा है। पार्टी सुप्रीमो लालू कह रहे हैं, सूखे के हालात में डीजल की कीमतें बढ़ाना जायज नहीं। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में, मैं था, और उसके पहले जयपाल जी रेड्डी भी बोले थे। कोर कमेटी ने कहा कि फिलहाल कोई भी फ्यूल का दाम नहीं बढ़ेगा, और आते एकाएक डीजल पर 5 रुपया लोग बढ़ा दिया, तो और हार्डशिप हो गया, तबाही के कगार पर लोग हो गए। इसमें ये नहीं करना चाहिए था, इस समय नहीं है ये सब दाम बढ़ाने का। ये तर्क दिया जा रहा है कि दुनिया में दाम बढ़ रहा है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका तो अपना इकोनॉमी सुदृढ़ करने के लिए कर रहा, चूस रहा कौन। अब संकट भारत जैसे राज्यों पर पैदा हो रहा है, ये सब चीज़ किलो को बढ़ाना पड़ रहा है, और व्यवस्था और लाचारी की बात कर रहे हैं, तो इसका असर तो बहुत खराब पड़ रहा है लोगों के ऊपर। अब प्रतिक्रिया देने से भी देते देते हम लोग भी थक गए, क्या फायदा है बाइटी देने से, सुनिए नहीं रहा लोगों, तो क्या बात कीजिए, बात कीजिए, बात करेंगे। सब नेता लोग बोलते हैं बात करेंगे। डीजल की कीमत में इजाफे पर आम लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हर एक आदमी नॉर्मल हो या मध्यम श्रेणी के हो, सभी आदमी के पास इतना इनकम नहीं है जो कि 7.5 रुपया सिलेंडर दिया जाएगा, 6 सिलेंडर, और बाकी 6 सिलेंडर हमको दिया जा रहा मेन रेट के ऊपर। इससे हमारा परिवार चलना असंभव बात है, और सभी आदमी, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बढ़ने की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो गार्जियन पे काफ़ी बर्डन हो गया है। उनको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना रहता है, बच्चों को पढ़ाना रहता है, घर के काफ़ी खर्च रहते हैं, ग्रॉसरी खरीदने रहती है। महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, और कन्वीनियंस चार्ज जो है, जैसे ऑटो जो आते आते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रही है, तो हर चीज़ में तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो परेशानी तो ऑब्वियसली गार्जियन को होनी है। आ देते हैं हम लोग को, कमी हो जाता है, दिक्कत होती है हम लोग को,
अभी लोग अपने समझे क्या करें क्या नहीं करें। क्या लगता है घर का बजट गड़बड़ा है? बजट गड़बड़ा ही जाएगा। सरकार दूल्ही लंगड़ी बहरी अंधी सब हो चुकी है, आम लोगों की बात नहीं मानती, क्या कर सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, ज्यादा शोर मचाएंगे ज्यादा 50 पैसे या 1 रुपए घटाएंगे। महंगाई सिर्फ डीजल और रसोई गैस की ही नहीं बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कई सामान पर महंगाई। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा तो खान पान समेत हर उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी जिसकी ढुलाई होती है, यानी महंगाई थोड़ी नहीं बहुत रुलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट महवानी।